फरोजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ ने अपने ही अस्पताल की दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी पर चाय फेंक दी। घटना के बाद से डरी हुई पीड़िता ने अस्पताल आना ही बंद कर दिया है। बताया जाता है कि पीड़िता अस्पताल के एनआरसी सेंटर में खाना बनाती है। अस्पताल की बीएमओ कामिनी राय ने घटना वाले दिन पीड़िता को चाय बनाने के लिए कहा। चाय अस्पताल के डीपीएम ने तो पी ली, लेकिन बीएमओ ने शक्कर ज्यादा होने की बात कहकर अपनी झूठी चाय महिला कर्मचारी को जबरदस्ती पीने के लिए कहा। कर्मचारी ने मना कर किया तो गुस्से से तमतमाई बीएमओ ने चाय उसके सिर पर डालते हुए धमकाया कि शिकायत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घटना के बाद से ही सहमी पीड़िता ने कलेक्टर से मिलकर पूरी घटना की जानकारी देने की बात कही है। बीएमओ पर पहले भी कई आरोप इस तरह के लग चुके हैं। नगरी जी सर नहीं पीती हूँ मैं, तुम मेरा मुठ करके कप छीन करके हाथ से और सिर्फ सर पे डाल दी और सर बोलने लगे कि चुपचाप तसले चले जाओ, तुम यहाँ से किसी से नहीं बोलना, अगर बोलोगी तो तुम जानोगी। और मैडम बोली किसी से भी बोल दो, मेरे कोई परवाह नहीं है। आरोप लगानी सर गलत है, बहुत तरह की ब्लैकमेल भी की थी कि मेरा अनुभव बना दीजिए, मना वही सबका उपचार। नारी